नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक हम क्लास 11 का स्टेट चालू किए थे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 था। तो ऑलरेडी चैप्टर 3 मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बड़ा, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है गणोत्तर माध्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्रिक मीन। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं गणोत्तर माध्य, तो गणोत्तर माध्य का जो सूत्र होता है बच्चों, वो ये रहा सूत्र। तो उसको संकेत में हम क्या बोलते बच्चों, जी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन, फिर वर्गमूल है, फिर एक्स वन एक्स टू डेट डेट डेस एक्स एन, मतलब जहां जितनी बार एक्स दिया उतनी बार आपको एक्स को मल्टीप्लाई कर लेने का, फिर काउंट करके यहाँ पर लिख देने का टोटल कितने पास हमारे पास अवलोकन है। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको याद रखना है, आपको काम आने वाला ये भी, तो यहाँ पर ये जो टिप्पणी दी हुई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी सवाल के अंदर बच्चों परसेंटेज दिखाई दे, क्या दिखाई दे, परसेंटेज दिखाई दे, तो आपको दो वर्ड दिखाई देगा, एक वृद्धि और दूसरा कमी। बच्चों याद रखना, अगर सवाल के अंदर परसेंटेज में वृद्धि दिखाई दे तो बच्चों आपको क्या करना है, 100 के अंदर जो भी वैल्यू दिया होगा उसको प्लस करना है, और अगर कमी दिखाई दे तो 100 के अंदर जो भी वैल्यू दिया होगा उसको माइनस करना है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना है, एक्स बार ग्रेटर देन जी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब सवाल के अंदर सभी अवलोकनों का मूल्य समान हो तो एक्स बराबर जी होगा। याद रखना बच्चों, हमेशा गणोत्तर माध्य या तो उसके जितना होगा या तो उससे अधिक होगा बस। लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है बच्चों, जब सवाल के अंदर बच्चों आपके अंदर उसके सवाल के अंदर लिखा होगा कि गणोत्तर माध्य ज्ञात करो और समांतर माध्य ज्ञात करो, तो गणोत्तर माध्य को कहते हैं जी और समांतर माध्य को कहते हैं एक्स बार। बस क्लियर हो गया ना बच्चों। तो अभी हम हर एक टाइप का सवाल करा देते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परसेंटेज आएगा तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट निकालने के बाद आपको ये वाला सूत्र लगाना है, फिर उसके बाद एक्स बार और जी निकालना है। तो बच्चों आपको पता है जी के लिए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, एक्स बार का सूत्र तो आपको पता है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। क्लियर हो गया। तो चलिए बड़ा एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो चीजें हम आपको सवाल के अंदर समझाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर 3.3 स्वाध्याय का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग में 8 विद्यार्थी, बेटा टोटल कितने विद्यार्थी हमारे पास 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा। द्वारा गत मास पढ़े हुए पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर कितने अवलोकन दिए, 8 अवलोकन दिए, तो मतलब इसको एक्स वन मानेंगे, इसको एक्स टू मानेंगे, इसको एक्स थ्री, इसको एक्स फोर, इसको एक्स फाइव, इसको एक्स सिक्स, एक्स सेवन, एक्स एट, ऐसी करके हमको लिखना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद बच्चों आपको एक सूत्र लिखना होगा, वो सूत्र अभी मैंने आपको सिखाया था, वो सूत्र कैसे बनेगा, वो सूत्र गणोत्तर माध्य का। तो गणोत्तर माध्य को शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, जी कहते हैं, और यहाँ पर एन, एन यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, एन लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर एक्स वन गुड़े एक्स टू गुड़े एक्स थ्री डेड डेड डेस एक्स एन, यही होता था बच्चों, यही था फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जी का जी एन, एन कितने अवलोकन बच्चों गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। चलिए फिर एक्स वन, एक्स वन कितना दिया बच्चों, 2 दिया है, तो हम ये एक काम करते बच्चों, कितने एक्स दिए सारे एक्स पहले लिख देते बड़ा, एक्स वन गुड़े एक्स टू गुड़े एक्स थ्री गुड़े एक्स फोर, यहाँ पर देखो मैंने सूत्र लिख दिया। बस अब इसके अंदर क्या करो बच्चों, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक्स वन कितना दिया बच्चों, एक्स वन दिया है 2, एक्स टू कितना दिया है 1, एक्स थ्री कितना दिया है 5, एक्स फोर कितना दिया है 9, एक्स फाइव 1, एक्स सिक्स 3, एक्स सेवन 2, एक्स एट 4, लिख दिया। उसके बाद क्या करना बच्चों, फिर से देखिए यहाँ पर जी बराबर 8,
अब बच्चों इन सभी का गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। केएलसी के अंदर गुणा करो बच्चों, कितना आएगा, 21 60 आएगा। अब बच्चों उसके बाद आपको ये बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ ये 8 किसका घन है, 8 3 का घन है, तो 3 का घन है तो मतलब हमको इसको 3 बार ऐसे बनाना पड़ेगा, एक बार, दो बार और ये 3 बार। ये तीन बार हमने क्यों बनाया बच्चों, क्योंकि 8 को हम 3 बार, 8 किसका वर्ग बेटा, 2 का घन है, 8 2 का घन है, 2 का घन मतलब कि 2 को मैं अगर 3 बार गुणा करूं तो बच्चों 8 मिलेगा ना, इसलिए हम यहां पर 3 बार बना दिए। अब क्या लिखेंगे बच्चों, 21 60। उसके बाद बच्चों अब क्या करना है, अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, अब यहां पर ध्यान देना, अब बच्चों यहां पर 3 बार लिखा है, अब बच्चों फिर अब 3 बार नहीं, अब एक काम कर दो बच्चों, अब कितनी बार लिखना है, अब आपको 2 बार लिखना है। देखो कैसे, तो पहले 21 60 है ना बड़ा, तो यहाँ पर ये जो रूट है ना, रूट इसको दाबेंगे, इसको ऐसे दाब दिया, कितना है बच्चों, 46, और यहाँ पर क्या लिखा है, 4758 हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 है ना, फिर से क्या करेंगे, ये दाबेंगे, यही क्या करेंगे, दाब देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, कितना आएगा बच्चों, 6.8173 यहाँ तक हो जाए बच्चों। फिर से क्या करना है, एक बार ऐसे दाब देना है, दाब दिया बच्चों, कितना आया, 6.61 है, 6.61 यही क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर होगा, 6.61 क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर होगा। ये किस तरीके से निकाला है ये आपको आई होप समझ में आ गया है, बोलो बच्चों समझ में आ गया। मैंने ये 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि भाई 2 का घन 3 है, तो 3 बार लिटी खींचना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 लिटी कम करने का, फिर उसके बाद 1 लिटी कम करने का, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। ऐसा कब करने का, जब बच्चों यहाँ पर 8 दिया हो तब। चलो अगर मान लो 8 टेक न दे करके अगर यहाँ पर 4 लिखा हो तो क्या करेंगे बच्चों, तब यहाँ पर 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, 2 मतलब 2 है तो 2 लिटी खींचने का। फिर क्लियर हो गया बच्चों, कैसे खींचा जा रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक उस टाइप का सवाल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, एक मशीन के मूल्य उसके प्रथम 4 वर्ष, बच्चों कौन सा लिखा है, 4 आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो परसेंटेज 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 की दर से घिसाई होती है, तो घिसाई का औसत दर की पद्धति ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, घिसाई, बच्चों घिसाई का मतलब होता है कमी, क्या होता है बच्चों, कमी होता है। तो बच्चों अभी मैं बताया था परसेंटेज दिया हो और कमी वर्ड लिखे तो आपको क्या करना होता है, 100 में से माइनस करना होता है, और 4 वर्षों के लिए बोला मतलब 4 दिया, 1 2 3 और 4 दिया, तो कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपके सामने निकाल के बता रहा हूँ। पहले हम क्या मानेंगे, x1, तो क्या करेंगे हम, 100 में से 10 बोला है तो 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 90। फिर निकालेंगे x2, कितना, 100 में से क्या करेंगे बच्चों, क्या लिखा है, 7, तो 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 93। फिर क्या निकालेंगे, x3, 100 में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, 5, तो कितना आएगा बच्चों, 95। फिर कितना है, 2, तो हम क्या करेंगे, x4 बराबर 100 में से माइनस करेंगे 2, कितना आएगा, 98। क्लियर होगा बच्चों, 4 वर्ष का बोला था, 4 वर्ष तक का निकल गया। बस उसके बाद क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है, सूत्र तो आपको पता है बच्चों कैसे लगाया जाता है, जी बराबर एन x1 गुड़े x2 xn, यही होता है बच्चों। चलिए कितनी बार दिया बच्चों, जी बराबर एन बराबर कितना है, 4 वर्ष बोला है तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 x1 गुड़े x2 गुड़े x3 गुड़े x4, x4 क्यों गए बच्चों, क्योंकि 4 बोला इसलिए 4 तक जाएंगे। क्लियर हो गया, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं जी बराबर 4। अब x1 कितना दिया बच्चों, x1 दिया है आपको 90, x2 आपको दिया है 93, x4 दिया है आपको 95 और x4 दिया है 98। बस क्लियर, चलिए 4 जी। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, जब सभी को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा,
तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर ये आएगा, क्लियर। अब बच्चों मुझे ये बताओ चार किसका वर्ग है, तो चार सर दो का वर्ग, मतलब दो को दो बार गुणा करेंगे तो चार, तो यहां पर दो बार लिटी कितना करेगा, ऐसे खींच दिया, तो ये चीजें वापस यहां पर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो बच्चों ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्लियर। अब बच्चों आपको क्या करना है, कैलसी दाबना है, कैलसी के अंदर ये अमाउंट लिख दो बड़ा, 7792 4700, ये आया बच्चों। अब इसको क्या करना है, एक बार इसको दाबना है, क्या करोगे, एक बार दाबोगे, चलो एक बार दाब दिया, तो कितना है बच्चों, जो भी आया आपको यहां पर ऐसे लिख देना है 8827.4968, लिख दिया बच्चों। फिर से क्या करेंगे, फिर से एक बार दाबेंगे, फिर से दाबा, तो यहां पर कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों, 93.95 यहां तक आ गया बच्चों। आगे देखो सवाल के, अगर बच्चों यहीं तक बोला होता तो हम सवाल कंप्लीट कर देते, बट सवाल के अंदर क्या बोला है, सवाल के अंदर बोला है औसत घिसाई का औसत दर की पद्धति ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर औसत दर की पद्धति बोलेगा ना, तो आपको हमेशा क्या करने का बच्चों, हमेशा 100 में से क्या करने का, माइनस करने का, 100 में से क्या करेंगे 93.95 को माइनस कर देंगे बच्चों, कितना आएगा, तो 6.05 औसत दर निकालना है, तो यहां पर लगा देंगे परसेंटेज, यही हो जाएगा हमारा औसत दर। आयो बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको सेक्शन डी के अंदर पूछे जाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेन फोकस बच्चों इस पे आपको करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्या लिखा है, एक सोमवार टैक्सी को 15 किलोमीटर, मंगलवार में 254 किलोमीटर प्रवास किया गया, तो इन दोनों प्रवासों का अंतर औसत गणोत्तर माध्य का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो बच्चों चलिए कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से हम समझेंगे और अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर दो बार x है, तो लिखेंगे x1 = 15 और x2 = 254, लिख दिया, बस सूत्र तो आपको बच्चे ही पता ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे g, यहाँ लिखेंगे n, तो x1 * x2 · xn, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर g कितने x हैं, दो, तो यहाँ पर लिखेंगे दो, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 * x2, बस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, x1 कितना है बच्चों 15, x2 कितना है 254, बस। अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, चलिए करो मल्टीप्लाई, 254 कितना आएगा बच्चों 38 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 = आगे क्या करना है बच्चों, ध्यान से सीखो। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है, कैलसी के अंदर आपको क्या करना है, 38 10 है बच्चों, इसको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, दाबना है, दाब दिया, कितना है बच्चों 61.7225। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पर 5 हो या 5 से बड़ी संख्या, तो एक क्या करने का, प्लस करने का, तो इसका आंसर कितना आएगा, 61.73 आएगा बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप 100% ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आए तो बच्चों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए बच्चों अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ, उस टाइप का एग्जाम्पल आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर उदाहरण नंबर 14 देखो, यहाँ पर देखो परसेंटेज 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 परसेंटेज, और बच्चों सवाल के अंदर क्या लिखा है, वृद्धि वृद्धि लिया, बच्चों क्या करेंगे 100 में हम क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे, देखो यहाँ पर सब में प्लस किया हुआ है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करने का, सूत्र लगा देने का, फिर सभी वैल्यू लिख देने का, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर ये, फिर एक बार कैलसी दाबो बच्चों, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये किस तरीके से निकाला है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। दो संख्याओं का माध्य, गणोत्तर माध्य, गणोत्तर माध्य को क्या कहते हैं बच्चों, जी कहते हैं। यदि एक संख्या बच्चों ए है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, चार गुना होगा, चार गुना मतलब 4a हो जाएगा,
क्लियर। माना कि छोटी संख्या a है तो, और दूसरी संख्या आपका हो जाएगा चार है, मतलब x1 ये हो जाएगा और x2 आपका इससे चार गुना हो जाएगा, तो g बराबर आपको दो दिया ही है। तो बस आपको यहाँ पर सूत्र लगाना है बच्चों, तो g की जगह पे दो रख दो, x1 की जगह पे a और x2 की जगह पे ये, दो का दो रूट में क्या हो जाएगा a और a का गुणा करेंगे तो चार a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 उड़ गया बच्चों, तो चार किसका वर्ग है, दो का वर्ग है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a। तो बच्चों अब ये दो गुणाकार में बच्चों, यानी कि ये ऐसा है तो दो बराबर 2a है, तो बच्चों ये दो गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो दो बटे दो बराबर a, एक से एक कटेगा तो बच्चों a बराबर कितना आ गया, एक आ गया। आगे बच्चों आपने जो माना है उसको लिखेंगे, अब x बराबर एक तो बच्चों एक ही बराबर, एक ही वैल्यू कितना दिया है एक, तो इसका आंसर आएगा एक, और x बराबर दो चार गुणे a, तो चार का चार एक की जगह पे क्या लिखेंगे एक, तो कितना आएगा बच्चों चार, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी एक और x2 की वैल्यू आ जाएगी चार, यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन का अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे बात करते हो बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आपको मेन फोकस करना है। क्या लिखा है, दो संख्याओं 9 और 16 बच्चों क्या लिखा है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। अब बच्चों अभी मैंने आपको सिखाया था समांतर माध्य को कहते हैं एक्स बार और गुणोत्तर माध्य को कहते हैं जी, तो यहाँ पर बच्चों एक बार हमें समांतर माध्य निकालना है, एक बार गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो चलिए बच्चों ये एक्स वन हो जाएगा और ये एक्स टू हो जाएगा, और कितनी संख्या दी है बच्चों, दो संख्या दी है, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा दो। बस समांतर माध्य, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, फिर हम क्या करेंगे 9 और 16 को दोनों को प्लस करेंगे बटे में दो करेंगे, क्योंकि एन बराबर कितना है बच्चों दो, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 25 भागे दो, इनमें भाग देंगे कितना आएगा 12.5। और गुणोत्तर माध्य बटा निकालने का सूत्र तो आपको पता ही है, तो कितने एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू लिख दिया बच्चों, दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 144, तो 144 किसका वर्ग है बच्चों 12 का वर्ग, क्लियर हो गया। अब देखो एक्स वन एक्स वन बराबर आपका 12.5 है और जी बराबर 12, तो बताओ बच्चों दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा है 12.5, इसलिए x एक क्या है, x आपका बड़ा, इसलिए लिखेंगे ग्रेटर देन g से, क्लियर बच्चों। इस तरीके से आपको बड़ा यहाँ पर सारे सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आपको ये गुणोत्तर माध्य का पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।